ग्वालियर ऐतिहासिक नगरी के लिए जाना जाता है। ऐसी ही कई धरोहर ग्वालियर के अंदर मौजूद हैं। चाहे फिर हम ग्वालियर के राजवाड़ा सिंधिया महल की बात करें, या फिर हम बात करें ग्वालियर मकबरे की, या फिर हम बात करें इस वक्त मौजूद हम एक लधेड़ी गेट पर हैं। अभी फ़िलहाल में इसे लधेड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। एक इसका नाम का बुलंद दरवाज़ा भी है, और माना यह जाता है कि इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य केवल यह सुनना था कि इस पर फांसी दी जाती थी, तो एक नाम इसका फांसी दरवाज़ा भी है। इस दरवाजे की जो खासियत है वो हम आपको बता दें कि ये शहर की एक उच्च चोटी पर मौजूद है। और आप करते हैं सबसे पहले तो भाई साहब, ये जो दरवाज़ा है क्या विशेषता है इसकी? इसका था यही सुना जाता है, इस पर पहले राजा महाराजा थे, यहाँ पर फांसी दी जाती थी। अच्छा। और इसमें यहाँ पर आप खजाने की बात कर रहे हैं, ये भी बात आपकी सही है। ये बताते हैं रात में ये आवाज़ भी लगाती है दिवाली के टाइम। अच्छा। दोज वाले दिन बड़े काली गाय और जाना किस किस की बलि मांगती है, कहती है जितना चाहे उतना ले जाओ। अच्छा, क्या और भी विशेषताएं हैं इसकी? माना जाता था कि इसमें फांसी दी जाती थी, और इसको लधेड़ी गेट के नाम से भी जाना जाता है, एच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो एच के नाम से है, तो एच के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसी कौन कौन सी जो कहानियां इसके साथ जुड़ी हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। बस इतना ही जानता हूं, ये फांसी घर के नाम से प्रसिद्ध है और यहां पर पुरातत्व विभाग के अंदर में ये आता है। तो हम आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो आप मेरे पीछे गेट देख सकते हैं, इसे बुलंद दरवाज़ा भी कहा जाता है, लधेड़ी गेट भी कहा जाता है, और फांसी दरवाजे के नाम से भी ये फेमस है। अब आप मुख्य बात ये है कि जो ग्वालियर दुर्ग है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उस साइड आपको ग्वालियर दुर्ग दिखेगा, ग्वालियर का किला दिखेगा, बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही बड़ा ये ग्वालियर का किला है। ग्वालियर किले से ठीक 1 किलोमीटर दूर इसको बनाया गया था। क्या विशेषता इसको बनाने की रही होगी, ये तो उस समय के तत्कालीन राजा ही जाने, और इसके लिए कितनी भूमिकाएं निभाई गई हैं अभी आपको हम हाल ही में बता दें कि इसका संरक्षण भी पुरातत्व विभाग के द्वारा किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइटें भी लगा दी गई हैं, और इसको काफ़ी टाइल्स वगैरह भी यहाँ पर लगा दी गई हैं। पहले इसकी जो स्थिति काफ़ी दयनीय थी, लेकिन अभी इसमें सुधार कर दिया गया है पुरातत्व विभाग की तरफ से, शायद आने वाले समय में इसमें और भी सुधार हो सकता है। तो इसी तरह के इतिहास से जुड़े रोचक तथ्यों के लिए देखते रहें हमारे चैनल जनसारथी को, लगातार जुड़े रहें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।